चलो बच्चे, आज हम लोग तीसरा अध्याय पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का, जो है मात्राएं। देखो, बोल रहा है राहुल, किताब पढ़ रहा है। देख रहे हो ये चित्र, शेर और भालू पिंजरे में बंद है, देख रहे हो। यहाँ बोला है, बच्चे ऊपर दिए गए चित्रों को देखिए, यानी कि इस चित्रों को देखो। दोनों चित्रों के नीचे एक एक वाक्य लिखा है, इन वाक्यों में कुछ लाल रंग के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हो ना, लाल रंग के चिन्ह हैं। ये चिन्ह मात्राएं हैं। जब व्यंजन के साथ स्वर आता है तो वह मात्रा के रूप में लगाया जाता है। यदि इन वाक्यों में मात्राएं नहीं लगते तो ये वाक्य कुछ ऐसे लिखे जाते हैं। राहुल, राहुल देखो, किताब पढ़ रहा है, शेर और भालू पिंजराए में बंद हैं, यानी कि ये बिना मात्रा के हम बड़ा अटपटांग सा पढ़ रहे हैं, इसका सही अर्थ नहीं निकल रहा है। अगर स्वरों की मात्राएं ना लगाकर उन्हें ऐसे लिखा जाता है तो पढ़ना बहुत अटपटा और कठिन होता है, जैसे यहाँ पे अटपटा और कठिन लगा हमको। इसलिए व्यंजनों के साथ स्वर आते हैं तो वे मात्राओं के रूप में ही लगाए जाते हैं। व्यंजन के साथ आने पर स्वरों का रूप बदल जाता है। यदि बदला रूप ही यही बदला रूप मात्रा होता है। जैसे देखो, यहाँ पे ये स्वर हैं, ये मात्राएं हैं, इसको मैं पहले भी पढ़ाई थी आप लोगों को। ये व्यंजन और मात्रा है, यानी कि व्यंजन और मात्रा है, उसके बाद ये शब्द है और इसे वाक्य बना है। जैसे देखो, अ, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, जैसे मैं आप लोगों को भी पढ़ाया था बिना मात्रा वाला शब्द। देखो जैसे जल, जल ही जीवन है, इससे वाक्य बना है। अब देखो जैसे आ, आ की मात्रा ये होती है, ये लाइनिंग। जैसे देखो, म में जोड़ा आ की मात्रा लगाया, क्या बन गया, माँ, और इससे शब्द बना माता, और इससे शब्द और इससे वाक्य बना माता स्नेह करती है। अब जैसे ये देखो, छोटी, छोटी की मात्रा को क्या बोलते हैं, हर्षी, हर्षी से क्या बना, ये देखो बना, म में छोटी की मात्रा जोड़े तो मी बना, इससे क्या बना, मिठाई, और वाक्य क्या बना, मुझे मिठाई अच्छी लगती है। अब ये देखो, बड़ी, बड़ी की मात्रा ऐसी होती है, इसको दीर्घीकार बोलते हैं। अब ये म में बड़ी की मात्रा लगाते मी पढ़ेंगे इसको, और इससे शब्द बना मीना, और इससे वाक्य बना मीना बाजार गई है। ऐसे ही सारे मात्रे को यहाँ पे दिया गया है, और ये मात्रा का चिन्ह है, और इसको जोड़ा गया, इससे शब्द बनाया और इससे वाक्य बनाया, ठीक है। बोला बच्चों, अ की मात्रा, अ की कोई मात्रा नहीं होती, सभी मात्राएं अलग अलग तरीके से लगती हैं। कुछ मात्राएं व्यंजनों के ऊपर लगती हैं तो कुछ नीचे, कुछ व्यंजनों के आगे तो कुछ पीछे लगती है, ठीक है। र के साथ उ या बड़ी उ की मात्रा र के पेट में लगती है। जैसे देखो, र में बड़ी उ की मात्रा लगा, छोटी उ की मात्रा लगा थी, क्या बना रू, देख रहे हो, और ये हो गया रुपया। ये रौ में बड़ी उ की मात्रा लगा थी, ये बना रू, देखो दोनों में अंतर है, ये है हर्षुरु और यह है दुर्घु, इसे बना रुमाल। व्यंजनों में रौ की मात्रा इन रूपों में होती है, जैसे ग जो र क्या बना ग्र, इसे शब्द बना ग्रह, क र म, इसे क्या बना, म में ऊपर रेफ लग गया, क्या बन गया, इसे शब्द बना है कर्ण, ठीक है। अब देखो ये दिया है, व्यंजन के साथ स्वर को बदला, स्वर का जो बदला रूप एक चिन्ह के रूप में लगता है वह मात्रा कहलाता है। और की कोई मात्रा नहीं होती, बाकी सभी स्वरों की अपनी मात्रा होती है, इसको आप लोग याद कर लोगे। अब देखो यहाँ पे सब दिया है, बोल रहा है इसको इसमें भरो। जैसे देखो, स्वर के साथ आने पर स्वरों का रूप बदल जाता है, किसके साथ आने पर, व्यंजन के साथ आने पर। को छोड़कर सभी स्वरों में मात्राएं होती है, किसको छोड़कर, ओ की, ओ को छोड़कर सभी स्वरों में मात्राएं होती है। कुछ व्यंजनों के ऊपर लगती है, क्या चीज लगती है, तो मात्राएं लगती है। उ की मात्रा र के पेट में लगती है, इसको आप लोग ऐसे भर लोगे। अब देखो तीसरा बोल रहा है, नीचे दिए गए शब्दों में व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं नहीं लगती हैं, स्वर ही लिख दिए जाते हैं, आप उन स्वरों की मात्रा लगाकर शब्दों को फिर से लिखिए। जैसे देखो, ये शेर है, इसको हमने शेर बनाया, यह है गाड़ी, यानी कि गाड़ी, यह है राजा, यानी कि रा में आ लगाए, ज में आ लगाए, तो हुआ राजा। फूल, यानी कि इसको ऐसे तो नहीं पढ़ेंगे, तो फूल, बड़ी हुई है तो बड़ी हुई की मात्रा लगाए, फूल बन गया। कौन में ये औ लगा है, तो क में औ की मात्रा लगाए, तो कौन, ये ऐसे ही हम लोग, जैसे देखो ये पिज्जा, ठीक है।
अब ये तीसरा है, बोला है नीचे कुछ शब्दों में मात्राएं छूट गई, आप उनमें चित्र की सहायता से सही मात्रा लगाकर दोबारा लिखिए। जैसे देखो ये कत्ता लिखा है यहाँ पे, तो मात्रा लगाएं कुत्ता, चित्र दिया हुआ है। से वृक्ष लिखा तो ये क्या है, वृक्ष है, तो वृक्ष ऐसे लिखे मात्रा लगा के। ये कतब लिखा तो यानी कि कतब नहीं होगा, ये किताब लगाएंगे मात्रा लगा के। जैसे देखो ये बगन है तो ऐसे नहीं होगा, ये बैगन है तो ऐसे लिखते हैं बैगन। ये का लिखा यानी कि कौवा है, तो इसमें ओ की मात्रा लगा के कौवा लिखें, ठीक है। अब बोला है इसमें से सही को छाँटो, किस शब्द में ई की मात्रा है। देखो इसमें बड़ी की मात्रा है तो नहीं होगा, इसमें छोटी ई की मात्रा है तो ये होगा, फिर इसमें बड़ी की मात्रा है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि ये सही होगा। रेलगाड़ी में किस स्वर की मात्रा नहीं है, तो रेलगाड़ी में देखो ए की मात्रा है ना, फिर बोल रहा है बड़ी, बड़ी की मात्रा है ना, अड़ी में लगी हुई। अब बोल रहा है आ, आ की भी मात्रा है, ग में लगा हुआ। अब है छोटी, यानी कि छोटी की मात्रा रेलगाड़ी में नहीं है, तो ये सही होगा, ठीक है। ये पूरा लेसन ख़त्म हो गया, आप लोग ऐसे ही किताब में भर लोगे और मात्राएं का चिन्ह याद कर लोगे, फिर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।